एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के तौर पर मैं लोगों को कुछ ज्यादा नजदीक से देखता हूँ कि वे कैसे चलते हैं। दुर्भाग्यवश कहना तो ये चाहिए कि वे कम से कम चलते हैं, कई बार गलत, विषम और असंतुलित भी। आप इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं? यही बात स्टेफान गाइसलर अपने फिटनेस स्टूडेंट्स को डिसलडॉर्फ की IST यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं। ये दिखाता है कि आम जिंदगी और खेलों में किन मांसपेशियों को अनदेखा किया जाता है और उनमें मजबूती लाने के लिए किन वर्जिशों का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कुछ टिप्स तैयार की हैं जो मांसपेशियों के 4 खास ग्रुप से जुड़ी हैं, सिर से पैर के अंगूठे तक। अक्सर मांसपेशियां भुला दी जाती हैं, जैसी नीचे दिख रही पैर की मांसपेशियां। ये बुजुर्गों में कमजोर हो जाती हैं, इससे लोग लड़खड़ाने और गिरने लगते हैं। इसी तरह पीछे की ओर पैर की मांसपेशियां होती हैं। इन मांसपेशियों का अभ्यास बहुत आसान है। यह सब कुछ एक ही व्यायाम में किया जा सकता है, जो है सीधे खड़े होना, अच्छे से एकदम सीधे, और फिर अपने पैर के अंगूठे पर जोर देते हुए खुद को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना, फिर नीचे आना, अब उल्टा, अपने अंगूठे उठा लेना। मैं थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। इसे ही 10-12 बार दोहराइए। ये निचले हिस्सों के लिए अच्छा व्यायाम है। अगली कड़ी बीच का हिस्सा। शरीर के बीच का हिस्सा काफी अहम है। जब हम शॉपिंग बैग उठाते हैं या किसी काम में शरीर के केवल एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारे ऊपरी धड़ और रीढ़ की हड्डी में समस्या पैदा करता है। तो हाथ और घुटनों चारों को जमीन पर रखिए। आपकी कलाइयां कंधे के और घुटने पुट्ठों के जोड़ के नीचे होने चाहिए। धीरे धीरे पैर का अंगूठा जमीन पर रखिए। अब अपनी नाभि को धीरे से अंदर खींचिए और अपने घुटनों को जमीन से 1 सेंटीमीटर उठा लीजिए। और हाँ, कंधों को मत भूलिए। रोटेटर कफ और कंधे की मांसपेशियां, जिनकी अक्सर अनदेखी हो जाती है, जो कंधे के जोड़ और कंधे के प्लेट के बीच की मांसपेशियों के भीतर बहुत अंदर तक काम करती हैं, ये बहुत खास हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हमारा बैठने का तरीका थोड़ा आगे की ओर झुककर बैठने वाला होता है, जैसे कंप्यूटर पर या जब हम उदास हों। और इस तरह पैदा होने वाले असंतुलनों की भरपाई के लिए थेराबैंड के साथ एक बहुत अच्छा व्यायाम किया जाता है। हम इसे बाहर की ओर अंगूठों की दिशा में खींचते हैं। सीने के सामने वाली हड्डी आगे आती है और कंधे पीछे जाते हैं। दोनों कंधे एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा आराम और अंत में कुछ गर्दन के दर्द के लिए भी। कई लोगों को गले के आसपास की मांसपेशियों में भी समस्या होती है। मसलन यह समस्या मांसपेशी घेरे से लेकर गले तक हो सकती है, और आप आसानी से इसे मांसपेशियां मजबूत करने वाले और उनकी स्ट्रेचिंग वाले व्यायामों से ठीक कर सकते हैं। तो पानी की 2 बोतलें लीजिए, फिर कंधे को इतना खींचिए जितना खींचे, तब मांसपेशियों में तनाव आएगा और वे नीचे आएंगी, उतना ही नीचे जहाँ आपको आराम मिल जाए। Und vor allem, wo ist unten, also wann sind die Muskeln dort entspannt?